पिछले साल हुए कोलंबिया की सरकार और फोक विद्रोहियों के बीच शांति समझौते से यहां करीब 50 सालों से चला आ रहा खून खराबा बंद हो गया है। अब तक करीब 6,000 विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए हैं और अब नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जंगलों से अपने घर पहुंच रहे हैं। सरकार इनके जीवन यापन के लिए आर्थिक मदद भी कर रही है। जिस तरह हमारा देश नक्सलवाद से परेशान है, ठीक ऐसी ही हालत कोलंबिया की भी थी। यहाँ सैनिकों और विद्रोहियों के बीच खूनी जंग छिड़ी हुई थी। दोनों ओर से हजारों जाने गई। विद्रोही हजारों की तादाद में घने जंगलों डेरा डाले हुए थे, जो छिपकर सैनिकों पर हमला करते थे। इन विद्रोहियों के समूह को द रिवॉल्यूशनरी आर्म फोर्सेज ऑफ कोलंबिया, फॉक नाम से जाना जाता है। फॉक कम्युनिस्ट पार्टी की सशस्त्र शाखा थी। फॉक मार्क्सवादी लेनिन विचारधारा से प्रेरित समूह है। हवाना में नवंबर 2012 से कन ही शांति समझौते पर बातचीत चल रही थी। इसी साल जून में दोनों पक्ष संघर्ष को खत्म कर रने पर रजामंद हुए थे। यह कोलंबिया का सबसे बड़ा विद्रोही समूह था, जिसमें किसान से लेकर मजदूर शामिल थे। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ये सरकार की ग्रामीण इलाकों में भेदभाव की नीतियों से खफा थे। सशस्त्र विद्रोही समूह में तकरीबन 7,000 लड़ाके थे। इन्हें सक्रिय इलाकों में गांव वालों का भी सपोर्ट था। फॉक में कुछ शहरी समूह भी थे, लेकिन मुख्य रूप से इसकी पहचान ग्रामीण गोरिल्ला संगठन के तौर पर रही है। इसी के चलते इनकी पहचान मुश्किल होती थी। सैनिकों और फॉक के बीच जंग में सैनिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। कंबोडिया मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2002 तक विद्रोहियों की संख्या तकरीबन 20,000 हो चुकी थी। इनके मुख्य दुश्मन कोलंबिया की पुलिस और आर्मी ही थी। विद्रोही लड़ाके पुलिस स्टेशन, सेना की पोस्ट को निशाना बनाते थे। विद्रोही अक्सर तेल पाइपलाइन, पुलिस स्टेशनों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाकर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाते थे। फॉक के हमलों में कई बच्चों की भी मौत हुई है। फार्क विद्रोहियों ने फिरौती के लिए हजारों लोगों को अगवा भी किया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।